मैं आप लोगों को बताती हूँ कि केक कैसे बनाया जाता है, बिस्किट केक। उसके लिए हम लोग को कोई भी बिस्किट चाहिए, आप चाहे कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, बिस्किट और थोड़ा काजू। उसके बाद हम लोग को जिस इसमें बनाएंगे वो चाहिए। इसमें मैंने तेल लगा के ऐसे करके अच्छे से पूरा इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही एक कढ़ाई या कुकर जो भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध जो है 2 कप, आप जितना क्वांटिटी बिस्किट का लेते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने 2 कप के करीब मैंने दूध लिया है। उसके बाद ये रहा मेरा बेकिंग सोडा, और ये रहा मेरा चोको पाउडर, और ये रहा चॉकलेट। आप चॉकलेट डेयरी मिल्क का ही इस्तेमाल करें। मैंने ये बिस्किट इस्तेमाल किया है और ये बिस्किट। चलिए मैं आपको आप जो बनाना सिखाती हूँ कैसे करके बनाया जाता है। ये मैंने थोड़ा बिस्किट डाल दिया है मिक्सी में, अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से। ये देखिए मेरा अच्छे से ग्राइंड हो गया ये बिस्किट। अब मैं इसको जिस बर्तन में दूंगी उस बर्तन में डालूंगी। ये देखिए हम लोग का ये ग्राइंड होके अच्छे से तैयार हो गया। ये देखिए हम लोग का होके इसके ही हिसाब से ये मैंने इसका मिश्रण बना लिया। अब मैं इसमें डालती हूँ दूध। मैंने 1 कप लिया इसके क्वांटिटी के हिसाब से। थोड़ा थोड़ा, एक बार में पूर्ण नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा हिलाना है, थोड़ा डालना है। ये मैंने थोड़ा फिर से ले लिया क्योंकि इसको पेस्ट बनाना है, तो इसीलिए